शीघ्रता से नाम दें और संध्या करने का सौभाग्य प्राप्त करें शीघ्रता से। जो हमारे श्रावक सृष्टि परिवार है वो आगे अग्रिम पत्र में आ जाए। विशाल भैया वहां पे साधारण निकाल लो, किताब रखी वहां पर। चतुर्थ श्रावक सृष्टि यदि कोई बनना चाहता है तो शीघ्रता से नाम प्रसिद्ध करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रूं अभिषेक कारकस्य पापं खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओं नमोर्हं झं झीं छीं हं सं जं वं राय शा छाम छीं छूं छैं छैं चौं छं छाछ भीम ह्रां ह्रीं रूं ह्रैं ह्रौं ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्हते भगवते श्रीमते। ठाठा सृष्टि श्री सदारमल जी बिमले सौरभ आशा शेफाली संख्या शरण्य शिमोन वीर राजुल दर्शिका समस्त गुलाबगंज परिवार सरोज निवासिना समस्त परिवार श्रीमती सुप्रिया बीतेश सरोज पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पचखनी मंदिर शीघ्र निर्माणार्थम मनुष्यनाथ जनालय छत्री शीघ्र निर्माणार्थम प्रेरक सपना विहार निधि रीमा श्रेणिक सपरिवार अहमदाबाद अंकित सौरभ मीनू सुषमा धन्य कुमार चौधरी खुरई परिवार सुरेश चंद जी प्रवीण कुमार ऋषभ आनंद आयुषी उषा आरोग्यार्थम राजा खेड़ा धौलपुर पुषान जिजन रजनीकांत प्रतीक पल प्रखर प्रबल मिट्टू लाल जैन रंजलि प्रतीक्षा निधि डाली विजया आशा देवी सपरिवार कर्रापुर राजेंद्र कुमार जैन सौरभ जैन बरसा मेडिकल पूर्ण आरोग्यार्थम तरुण जैन काला तरुण रजनी जैन काला बॉम्बे निवासिना समस्त परिवार पारस जैन गुरुवर किराना स्वास्थ्य हैदराबाद आरोग्यार्थम महिमा कमलेश प्रशांत जैन आरोग्यार्थम समस्त परिवार सुमत जैन बागी द्वारा आरोग्यार्थम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम से अनुपमा ब्रह्मचारिणी अनुभिज्ञ काला सदलगा सुभाष जैन सदलगा अशोक जैन समस्त परिवार अरुणा जैन आरोग्यार्थम ओम विश्वादियासी वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरहंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम धेयम यहा मुच्चा सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु यहा मुच्चा सिद्धिम प्रयच्छन्तु न। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वी शंकराय श्रीमद्रत्नोत्तर रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गुण सहिताय न चतुर्षय सहिताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष सहिताय षट्चत्वारिंशति गुण संयुक्ताय परमेष्ठी परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखात पदाय त्रिलोक भूशंकराय सद ज्ञानाय सद ब्रह्मणे बृहत फण मंडल मंडिताय ऋषि आरिकाय श्रावक साविका प्रमुख चतुर्संगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय वभाय सृष्टि श्री समस्त शांति धारा कतृणाम व्याधिं घिनन्तु साजन कुमार अमन नयन जैनम सर्वार्थ सिद्धि सुशीला जैन आरोग्यार्थम दीपक जैन आरोग्यार्थम श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादा सर्व सेविका नाम सर्व दोष रोग सौ भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते श्री पक्षिणाशे दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापत्ति विनाशनाय सर्वपरक छद्रुपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय। ओम राम ह्रीं ह्रूं रौरास्या नमः सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहं अभिषेक कारकस्य कामं छिन् छिन्दय विनिन्दति कामं बलि कामं क्रोधं पापं वै इदं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुभिघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वचोरदुष्टभयं सर्वसर्वविषयसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिदामरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वाद्घातं परघातं च सर्वसूर्यरोगं कुक्षुरोगं अक्षुरोगं सर्वरोगं ज्वररोगं च सर्वनर्मारिं सर्वगदासुगमयि साजमारिं सर्वशधान्यवृक्षलतागुणपत्रपुष्पलमारिं
सर्व राष्ट्र मारम सर्व क्रूर बेताल सापनी डाकनी भयानी सर्व वेदनीयम सर्व मोहनीयम सर्वा पशमारम अशुभ कर्म जनकानी दुष्ट जन कितान मंत तंत दुष्टि मुष्टि छल छद दोषान सर्व दोष देव दाना वीर नर नाहर संयोगने कर दोषान सर्वाष्ट कुड़ी नाग जंदुष भयानी सर्वस्थावर जंगम ऋषिक सर्पादि कर दोषान सर्व सिंहाष्टा पदादि कर दोषान परसत्व गदमाणो चाटन विद्यूषण महोन वशीकरणादि दोषान ओम ह्रीम चक्र विक्रम सत्य जो बड़े सौर शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम गण खेट करवट मुठम पत्तन दोनमुख सम्मानंदनम कुरु कुरु स्वाहा सुखम तुश्लोकेशु व्याधि भीषण वर्जितम अभियम क्षेम आरोग्यम स्वस्थ रस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिस्तु दीर्घायुस्तु गुणगोत्री सदा संतु श्रद्धा श्री गुलायुरारोग्यवृद्धिस्तु ओं ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रम श्याव सानाथ विद्याय नमोहंताण रम सर्व शांति कुरु कुरु ओं ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रम श्याव सानाथ विद्याय नमोहंताण रम सर्व शांति कुरु कुरु आयुर्वल्लीलासम सकल सुखबलधीरम शरीरम नृपम्वातम शुद्ध कांतिम शांतिम समाधिम विदुर जगता वत्तमा सांतिधारा संभोजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामानित बोधनानां विसष्टि राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवच्चिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवच्चिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवच्चिनेन्द्रः चलिए छत्र ले लेंगे। ओम ह्रीं श्री अष्टराध्यायर मध्ये छत्रयत्रय स्थापयामि चवर ओम ह्रीं श्री अष्टराध्यायर मध्ये चवरत्रय स्थापयामि अर्घ ओम ह्रीं श्री ओम ह्रीं श्री शांतारक्षिकान्ते विश्वादिविराज्येभ्यो अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यं कृपामि इत्याशीर्वादा परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपामः। जो भी महानुभाव अजय भी ध्यान रखें जिनने भी शानदारा ली है वही पहुंचे मुकुट के साथ पहुंचे गुरुवर के पास गंधोदक पहुंचाने भी हमने गंधोदक बोला था किसी को पहुंचाने पहुंच गया गंधोदक और कोई ना जाए जो हमारे शानदार शीघ्रता से पहुंचे शानदारा करता परिवार जो अभिषेक के लिए रह गए शीघ्रता से अभिषेक करें। लोग पीछे से जाए यहां से कोई नहीं निकलेगा। सभी से अनुरोध है जिनने शांतिधारा की बोली ली है कृपया वही गुरुवर के समक्ष जाए और गंधोदक प्राप्त करे। ये माताएं इतनी सारी क्यों जा रही हैं? हमने किसी माताओं ने की थी बोली एक दो परिजन होंगे अजय भी थोड़ा ध्यान रखें माताओं में नमो पर स्टेज पे हे देवियों कहां मैं आपको बता दूं 3 तारीख को जो जिन एकता मंच का कार्यक्रम होने वाला है उसमें सभी की सहभागिता बहुत जरूरी है। सभी लोग यहाँ पर पधारे हैं। साथ ही साथ दोपहर 1 बजे से विद्याधर से विद्यासागर विषय पर ग्रंथ पर प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाना है।
आप उसमें भी भाग ले सकते हैं, ग्रंथ का स्वाध्याय में तो आप भाग ले ही सकते हैं। अब हम जगत पूज के चरणों में, जगत पूज के चरणों में त्रिवर्ण वस्तु करते हुए निवेदित करते हैं कि हे गुरुवर, अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी का अज्ञान भी दूर करें। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की, जीवात्मा के अंदर सदा एक ऐसी परिणति बनी रहती है अधूरेपन की। अधूरापन हर व्यक्ति को अपन में एक बना रहता है, मतलब जो कुछ भी वह पा चुका है पा रहा है उसको वो पूर्ण नहीं मान पा रहा है। उसको इस रहस्यमय सृष्टि में ऐसा लगता है कि अभी कुछ और है जो मैं नहीं जान पा रहा हूं। ज्ञानी पुरुष को भी ये भाव आता है, कुछ और है जो मैं नहीं जान पा रहा हूं। शुद्ध केवली तक को ये भाव आता है, गणधर परमिष्ठी को भी ये भाव आता है, द्वादशांग के ज्ञाता हैं, समस्त रिद्धियां प्रकट हो चुकी हैं, फिर भी अपने आप को अधूरेपन का महसूस होता है। शुद्ध केवली भगवान के लिए भी अज्ञान परिचय, बारहवें गुण स्थान में अज्ञान परिचय विचारणी बात है। बारहवें गुण स्थान में लीन रहने वाले यथाख्यात चारित्र की अनुभूति करने वालों को अज्ञान परिचय है। जब उनके लिए अज्ञान है जो संपूर्ण शुद्ध के ज्ञाता हो चुके हैं, वो भी अपने आप को अज्ञान परिचय के रूप में देख रहे हैं। गंधर्व परमेष्ठी समूषण में भगवान के सामने बैठ करके सब कुछ सुनने के बाद भी कह रहे, सोच रहे हैं कुछ और है अभी जो जानने योग्य है। अभी ज्ञान में मैं पूर्ण अनुभूति नहीं हो रही, पूर्णता की तृप्ति नहीं हो रही, परिणाम स्वरूप प्रथम बार में ही गणधर परमिष्टि संपूर्ण सुत का ज्ञान कर लेते हैं। पहले बार भी उनको द्वादशांग का ज्ञान होता है और पूरी लाखों करोड़ों वर्षों तक भगवान जब बोलते हैं तो ऐसे टकटकी लगा करके सुनते हैं जैसे सब कुछ नया सुन रहे हो, सब कुछ नया सुन रहे हो ऐसे सुनते हैं। गणधर परमेष्ठी इधर अपन को तो थोड़ी सा ज्ञान हो जाए, अरे ये ग्रंथ क्या पढ़ना है, तो मैं पढ़ चुका हूं चार बार पहले, पांचवी बार पढ़ने में क्या, दूसरी बार पढ़ने में ही मन लगता है, क्या करें इसको, पढ़ तो लिया एक बार।
क्या सुने वही तो सुन लिया है, क्या जपे वही तो नवोकार मंत्र है, क्या मंदिर जाऊं वही तो मंदिर है। क्या पूजा करूं वही तो पूजाएं हैं, क्या सामायिक करूं वही तो सामायिक है, क्या प्रतिक्रमण करूं वही तो प्रतिक्रमण है। सब कुछ में पुनरावृत्ति की अनुभूति होने लग जाती है, और जब पुनरावृत्ति की अनुभूति होने लग जाए समझ लेना या तो तुम्हें पूर्ण ज्ञान हो चुका है या तुम बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हो। अच्छे कार्यों में यदि तुम्हारा पूर्णता की अनुभूति होने लग जाए और अच्छे कार्य करने में ये भाव हो जाए प्रतिभिज्ञान, समझ लेना तुम्हें अभी बहुत कुछ आगे बढ़ना है, तुम कुछ भी अच्छा प्राप्त नहीं कर पाए। अच्छी चीज वह नहीं है जो तुम्हें अच्छी लग रही है, अच्छी चीज वह है जिसे बार बार सुनने का देखने का करने का मन होता है। कोई अंत नहीं सीमा नहीं होना चाहिए। एक दिन कहा था ना, पापी पाप की कोई सीमा नहीं करता क्योंकि उसको अच्छा लगता है, और धर्मात्मा सीमाएं करने लग जाता है तो या तो वो पूर्ण कर चुका है, संपूर्ण को पा चुका है, और या फिर उसने अभी कुछ भी नहीं पाया है। हमें हर दिन कुछ ऐसा लगना चाहिए जैसे हमने, जैसे आप लोग भोजन करते हो, प्रतिदिन खाते हो, लेकिन दूसरे दिन जब खाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने कल खाया था, ऐसा नहीं लगता कि मैंने कल पानी पिया था। प्यास और भूख लगती है तो ऐसे लगता है जैसे मैंने जिंदगी में कभी, नया स्वाद, नई अनुभूति, नई फीलिंग होती है, नई फीलिंग होती है। भूख लगने पर जो कुछ भी अपन खाते पीते हैं उसमें एक नई अनुभूति, नई स्फूर्ति और नया आनंद आता है। और खा चुके हैं हम बहुत बार, जिंदगी भर खाते आए, पी चुके हैं हम बहुत बार, जिंदगी भर पीते आए, लेकिन कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। वही मकान है, वही सब कुछ है, कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ इसी मकान में कितने बार कब आऊं, वही तो मकान है। पंचेंद्रियों के सारे विषयों में संसारी प्राणी को नए पने की अनुभूति होती है प्रति क्षण, और यदि ये अनुभूति न होवे, बोर होने लग जाए, वही वही सब कुछ कितने बार कहूं क्या करूं, तो समझ लेना ये अच्छे लक्षण है। रिपीट करता हूं, जितने संसार के पाप के कार्य हैं यदि तुम्हें अनुभूति में आ जाए कि यही तो सब करता आया हो, बोरियत होने लग जाए, क्या करना वही तो किया है कल, वही तो किया है अनादि काल से, ऐसी बोरियत की अनुभूति कभी हो गए, समझ लेना तुम्हारे बहुत अच्छे दिन आने वाले, बहुत अच्छे दिन आने वाले। संसार की कोई भी क्रिया में बस तुम्हारे लिए कुछ नहीं करना, बस इतना सा तुम्हें ज्ञान करना है, तुम्हें संसार छोड़ना नहीं है, छोड़ने से छूटेगा भी नहीं, मैं छुड़ाऊं तब भी नहीं छोड़ेगा, इसकी एक मंत्र साधना है, एक छोटी सी तत्व दृष्टि है। जो कुछ तुम्हारा करने को मन बने बस वहां इतनी सोचना है, क्या यह पहली बार कर रहे हो या बहुत बार कर चुके हो,
यदि पहली बार कर रहे हो ऐसी अनुभूति हो तो निश्चित समझना आप अभी बहुत बहुत संसार में भटकने वाले हो। बहुत छोटा सा कोई अवध ज्ञानी की जरूरत नहीं है, कोई मनापर्याय ज्ञानी की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं पूछना कि मेरा भविष्य क्या है, मैं मुनि बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मैं भगवान बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मैं सम्यक दृष्टि रहूंगा कि नहीं रहूंगा। ये अनुभूति यदि आपको करना है तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत छोटा सा मंत्र है। केवल ज्ञानी की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं समोषण में भी नहीं पूछना। जो तुम सुबह से शाम तक करते हो, शाम से 24 घंटे करते हो, बस उसमें तुम अपनी फीलिंग पूछ रहा हूं, क्या ऐसा लग रहा है जैसे मैंने यह कार्य कभी किया ही नहीं। यदि ये फीलिंग हो जाए, कर्म कहता है तेरी इच्छा है तो मैं ये भी पूरी कराऊंगा, तुरंत वहां से डिपार्टमेंट से इसको मोक्ष जाने से रोका जाए, क्योंकि इसको अभी संसार के कार्य करना बाकी है। सबसे खतरनाक सोच है अपना, सबसे खतरनाक चीज है ये, हमें अभी करना बाकी है। मोक्ष तो छोड़ो, समाधि बिगाड़ देगा, समाधि बिगाड़ देगा, मरण बिगाड़ देगा। यदि एक शब्द है अभी मुझे कुछ करना बाकी है, ये तो मैंने किया ही नहीं है, ये तो मैंने किया ही नहीं है। मरते समय आखिरी इच्छा पूछी जाती है, और जो आखिरी इच्छा है उससे निर्णय किया जाता है कि इसका भविष्य क्या है। हमारे दर्शन में भी समाधि के समय पूज्यवर भगवती आराधना कारण लिखा, उससे पूछा जाता है तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है क्या, कोई भी इच्छा हो बोलो, कोई भी इच्छा एक्स वाई जेड, कोई भी का इच्छा हो, कोई बाकी काम रह गया हो, कोई मन में विकल्प हो तो बोलो। और यदि उसने बोला, बड़े प्यार से पूछा जाता है, ऐसे नहीं पूछा जाता है, नहीं तो डांट डपट के बताएगा नहीं, उसको लोभ दिया जाता है कि आपकी कोई इच्छा हो थोड़ो अब हम पूरी करेंगे। बहुत प्यार, इतने अच्छे से पूछें जैसे कि जो निर्यापक हैं वो बिल्कुल उसकी हर इच्छा पूरी करने में समर्थ है। नहीं नहीं सब इच्छा पूरी करेंगे, आप अब मरने वाले हैं, समाधि हो रही, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए पूरी सब कुछ लगा देंगे, आप तो बोलो, कोई इच्छा हो तो बोलो, वरदान मिल रहा है तुम्हें, जो कहोगे वो पूरा होगा। यदि उसने इच्छा व्यक्त कर दी, निर्यापक समझ जाता है इसकी अभी समाधि नहीं हो सकती। खाने की पीने की सब इच्छाएं पूछी जाती है, कोई खाने का भाव है क्या, खाने को रख दिया, लोक भाव हो तो खा लो। और यदि उसके मुख से निकल गया नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैंने सारी इच्छाएं जितनी थी सब मैंने पूरी कर ली, अब कोई इच्छा नहीं है, जैसे ये भाव ये शब्द उसका आएगा तैसे ही निर्यापक घोषित कर देंगे इसकी संलेखना निरतिचार है, निर्दोष है, कुछ नहीं। बंधु बहुत सरल है समाधि, बहुत सस्ती है समाधि। हम प्रति क्षण समाधि में जी सकते हैं। दे दो निमंत्रण मौत को कि जब आना हो आजा, मैं सदा तैयार हूं। जब आना है जब आ जाए, जब तैयार हो, बस एक दृष्टि तुम्हारे बनाना है, जो कुछ तुम कर रहे हो ये पहली बार कर रहे हो या बहुत बार कर चुके हो। पहली बार कर रहे हो तो तुम मरण के योग्य नहीं हो, तुम्हारी दुर्गति ना सही, लेकिन तुम जल्दी मोक्ष नहीं जाओगे।
क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूं परिवारी कर रहा हूं, संसार की अपेक्षा, संसार के कार्यों को पूछ रहा हूं। कोई भी कार्य, रोटी भी, पानी भी, भोजन भी, कुछ भी आंखों से तुम देख रहे हो, यदि तुम्हारे मन में आ, क्या बड़ी चीज ये तो मैंने पहली बार देखी है, समझ लेना अभी तुम अच्छा समय नहीं। संसार की कोई भी बात सुनी, ये तो पहली बार, मुझे तो आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा जो तुमने मुझे गाली दी, आज तक मेरे को कोई गाली नहीं दे पाया इतनी ऊंची आवाज में, आज तक मेरे से कोई नहीं बोल पाया, गया काम से। राग की बात कोई आ जाए, ओहो क्या मीठी बात सुनाई जा रही है, संसार की राग की, मैंने तो ऐसा राग की बात सुनी ही नहीं। इसी प्रकार खाने में लगे कि मैंने ये कभी खाया नहीं, सूंघने में लगे मैंने सूंघा नहीं, चलने में लगे कि मैं तो यहां तो कभी आया ही नहीं, मैं तो कभी आया ही नहीं यहां, अमेरिका तो मैं आया ही नहीं, मैं तो कभी गया ही नहीं, मैं तो नया देश देख रहा हूं। रिश्तेदार जो बालक आया है तो बिल्कुल नया है, फ्रेश एकदम, इतना बढ़िया जीव आया है बालक को देख करके, नया बालक, नया रिश्तेदार, नई बहू, नई बेटा, कुछ भी एक्स वाई जेड, जो कुछ भी पंच इंद्रियों के विषय हैं सांसारिक, उसमें मात किसे कहते हैं, तत्व दृष्टि किसे कहते हैं, प्रसम संवेग, वैराग्य क्यों नहीं हो रहा है, संवेगी नहीं वैराग्य क्या होगा, संवेग भाव ही नहीं, तत्व दृष्टि पहले करना है, छोड़ना फाड़ना कुछ नहीं है, तत्व दृष्टि लाओ। और ये तत्व दृष्टि में बस एक ही चीज बना, जो कुछ भी पंच इंद्रियों से देखा जाएगा, जो कुछ भी मन में सोचा जाएगा संसार, उसमें बस एक टाइटल तुम्हें होना चाहिए, एक सिद्धांत में होना चाहिए, यह सब मैं अनंतों बार कर चुका, बस और कुछ नहीं करना। धर्म कोई इतनी मेहनत का काम नहीं है जितनी मेहनत का लोगों ने बना लिया है, धर्म को इतना हुआ नहीं है जितना तुम लोग मना लिया है, धर्म को तुम बहुत कठिन मानते हो, मैं कहता हूं धर्म जैसा सरल सस्ती कोई चीज है ही नहीं, तुम्हारा संसार बहुत कठिन है, हम तो देख देख करके तुम्हारे को तरस खाते हैं, इतने बहादुर ना, तुम्हें किसी की चिंता ही नहीं है, तुम ऐसे रिक्शी काम करते हो कभी मर जाओ तो तुम्हें कोई भरोसा नहीं है, तुम जब गाड़ी में बैठते हो तो मैंने कहा ये कितने निडर हैं शरीर के, तुम लोग सबसे ज्यादा शरीर से निर्मोही होते हो और हम लोग सबसे ज्यादा शरीर से राग करते हो, बहुत प्यारा शरीर है, इतना प्यार है मुझे शरीर से, मैंने एक दिन कहा था ना, मेरे मन से, मेरी आंखों से, मेरे कानों से, मेरे हाथों से, मुझे पैरों से, मेरी जिंदगी से मुझे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, मेरी जिंदगी बहुत काम की है, बहुत काम, बहुत काम की, इसको नहीं मिटने दूंगा मैं, ना मन को मिटने दूंगा, ना इंद्रियों को मिटने दूंगा, ना जीवन को मिटने दूंगा, क्योंकि मूल्यवान हूं, हूं के नहीं बताओ, अच्छा आप बताओ, मैंने पूछा था ना एक दिन कि मेरा मन अच्छा है कि बुरा, बताओ भाई, हाँ बहुत अच्छा है, गड़बड़ मत करना तो कल से प्रवचन बंद हो जाएंगे। यदि अच्छा नहीं सोचता होगा होता तो अच्छा बोल भी नहीं पाता, मेरी दृष्टि भी अच्छी, कान भी, सब कुछ, क्या बुरा कर रहे बेचारे, पहले लगता था कि ये शरीर की निंदा होती है, ये इंद्रियां बहुत बेकार हैं, मन बहुत बेकार है, सारी दुनिया देखो, जहां देखो वहीं इंद्रियों की बुराई लिखी है, शास्त्रों में भी लिखी है, दुनिया जितने नीतिकार है बुराई कहते हैं, सब बेकार है, बहुत बुरा है, मन बहुत चंचल है, अब तो नहीं लगता, अब तो मुझे तो इतना अच्छा लगता है कि मेरा मन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बुरा विचार आता ही नहीं, क्यों कहूं खोटा, आंखें बहुत अच्छी हैं बुरा देखती नहीं, कान बहुत अच्छे हैं बुरा सुनते नहीं, जवान बहुत अच्छी है क्योंकि बुरा बोलती नहीं, खाने में भी
कोई बुरा नहीं लगता क्योंकि ये गंदा खाती नहीं, बुरा खाती नहीं, अभक्ष खाती नहीं, क्या करूं, जितनी जरूरत है उतनी खाती है। सब तरफ से हाथ कोई बुरा करते नहीं, कैसे कहूंगे हाथ बुरे हैं, पैर कभी बुरा करते नहीं, एक एक जीव को भी कभी मारते नहीं। अपने जिंदगी का जिस दिन तुम्हें अपने रोम रोम पर गर्व हो जाएगा उसी दिन तुम्हारा मार्ग खुल जाएगा। अभी यही तो सबसे बड़ी भूल हो रही है। इंद्रियों और मन के लिए मां थोड़े सी तत्व दृष्टि लाओ और एक तत्व दृष्टि लाओ, संसार में जो कुछ भी मैं सोच रहा हूं ये अनंत बार सोच चुका हूं, जो कुछ देख रहा हूं सब कुछ बहुत बार देख चुका हूं। समाधि की तैयारी रखना, कुछ कोई तपस्या नहीं, कोई कठिन नहीं, जो मैंने कहा इतना कठिन मत बनाओ धर्म को, बस एक चीज बनाओ, संसार की हर चीज को तुम ये अनुभव करोगे यह सब मैं बहुत बार कर चुका हूं, कोई नया नहीं है। और जब कोई चीज नई नहीं है तो उसमें रस नहीं आएगा, रस नहीं आएगा। रस आता है जब हमारे मन में ये भाव आता है ये नई चीज है, बहुत अच्छी चीज है, आज तक मैंने ग्रहण नहीं की, तो उसमें रस आता है। और जैसे ही तुमने ये कहा यही वही तो चीजें हैं। बहुत सरल उदाहरण दे देता हूं, कौन सा दिन जिसमें तुम्हें बोई बोई यदि कि तुम्हें दिया जाए तो तुम चिड़चिड़ा पड़ोगे, भोजन में, भोजन में दो चार दिन तुम्हारे घर में यदि वही वही सब्जी बने तो महिलाओं थोड़ा मुझे शेयर करना क्योंकि मैंने अंदाज में बोला है, दो चार दिन आठ दिन यदि वही वही एक ही एक सब्जी बनाओ तो फिर क्या हाल होंगे तुम्हारे, बोलो ना। पहले दिन नहीं कहा था, पहले दिन तो आपने क्या कहा था, नहीं ठीक है पहले दिन कहा, दूसरे दिन थोड़ा कम रस हुआ, तीसरे दिन और आठ दिन यदि वही चल गया तो पारा गर्म हो जाएगा, खाने की रुचि खत्म हो जाएगी। जो पहले दिन का स्वाद और वही वस्तु आठ दिन खाई है तो आपका वस्तु वही है, सब कुछ वही है, लेकिन वो आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। वही वही बना के रख देते हो, वही वही रोज को बना के कहां तक खाएं, बस जो तुम्हें थाली पर बार बार परोसा गया तुम्हें चिड़चिड़ापन आ गया, बस यही चिड़चिड़ापन तुम्हें संसार में आ जाए, क्या ये वही संसार है जो मैं अनंत बार कर चुका हूं तो बेड़ा पार हो जाएगा, बस यही चिड़चिड़ापन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या देखूं वही तो देख चुका हूं, क्या सुनूं वही तो सुन चुका हूं, क्या खाऊं वही तो खा चुका हूं, क्या पियो वही तो पी सका हूं, बस एक जहां जो कुछ भी करो पर बोरियत हो जाए, संवेग भाव इसे ही कहते हैं। और संवेग भाव आने का मात्र एक ही कारण है, मैं सब कुछ कर चुका हूं अब क्या करूं, कुछ रहा ही नहीं शेष। और उसमें बोरियत की अनुभूति होना नियम से है। तुम लोग बोरियत इसलिए नहीं हो रहे हो कि तुम्हें हर चीज बहुत बार करने के बाद भी तुम्हें नयापन की अनुभूति होती है, तुम सोचते हो कि मैं सब नया कर रहा हूं। स्मृति में लाओ पंच परावर्तन। सबसे बड़ी भूल तुम्हारी है कि तुम अनंतों बार पाप करते हो लेकिन भूल जाते हो, पागलों जैसे, पशुओं जैसे भूल जाते हो, बच्चों जैसे भूल जाते हो। उनको याद इसलिए नहीं करना कि परिणाम बिगाड़ना, उसको याद इसलिए करना कि सब कुछ वही तो है। ये अनुभूति यदि तुम्हें कभी भी हो जाए किसी कार्य में, समझ लेना तुम समाधि में हो, तुम्हारी समाधि चल रही है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मरने के समय, आ जाने दो मौत, तुम्हारी सदगति ही होगी क्योंकि तुम्हें सब कुछ
और यदि हो जाए कहे, जिसे मैंने अनंत वार किया उसे क्या करना, कर रहा हूं लेकिन करने का मन नहीं है, ब्राह्म लगा दो। और ब्राह्म जैसे तुमने लगा बस हो गया काम, अब कुछ भी नहीं करना, बस तुम्हारी संलेखना हो गई और तुम्हारा आसन भव्य हो और मोक्ष बहुत निकट है। और तुमसे अंतिम इच्छा में पूछा गया और तुमने कह दिया हां अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ बाकी है। एक दिन शायद मैंने प्रवचन में कहा था, साधु हर समय पूर्णता में जीता है, हर मुहूर्त के बाद ब्राह्म लगाता है, मैं सब कुछ कर, एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा कोई इच्छा नहीं रखता था। तो इच्छा आएंगी, साधु को भी इच्छाएं उठती हैं, राग भी उठेगा, द्वेष भी उठेगा, संस्कार है, लेकिन उसकी उम्र मात्र 47 मिनट अधिकतम। 47 मिनट तक अपनी इच्छा को जीवित रखेगा, 47 मिनट के बाद पूरी हो या ना हो उसको पूर्णता की अनुभूति होगी, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हो जाए तो कोई बात। 47 मिनट के अंदर मोहर मोहर आत्मानम ईश्वर सन सन पूज्यवर अमृत चंद सूरी कहते, एक अंतर मुहूर्त के अंदर द्वेष की और राग की कणका पे ब्राह्म लगेगा, लगाना ही पड़ेगा, लग ही जाता है यदि सच्चा साधु है तो। हर मुहूर्त में उसको पूर्णता की अनुभूति है, मुझे कुछ नहीं करना बस हो गया। श्रावक है तो 15 दिन के अंदर, 14 के 14 15 दिन, 8 दिन जो 14 पढ़ते ना, 14 के प्रतिक्रमण का अर्थ यही होता है। गृहस्थों को प्रतिदिन प्रतिक्रमण ना भी कर पाए लेकिन पाक्षिक प्रतिक्रमण जरूरी है। 14 के 14 वह व्यक्ति नियम से वृत्ति है तो कहेगा मैं पूर्ण, मैंने सब कुछ कर लिया, अब कुछ नहीं करना भगवान, बस अब तो ये है कि पेट भरना है तो खाना है, स्वाद तो कुछ रहा नहीं क्योंकि यही खाते खाते वही सब्जी वाला मामला, खाओगे तो सही क्योंकि भूख तो लगी है लेकिन आनंद खत्म हो गया। मात्र इसलिए आनंद खत्म हो गया कि 8 दिन से तुम वही चीज खा रहे थे, इसलिए तुम्हारा आनंद खत्म हो रहा। खा तो लोगे लेकिन मजा नहीं आएगा, बस ऐसे ही वृत्ति, त्यागी वृत्ति। 15 दिन के बाद सब कुछ करेगा लेकिन मजा खत्म हो जाएगा, बोले क्या है, ठीक है अब दूसरी चीज है ही नहीं खाने को तो खाना तो पड़ेगी, मन मार के खाना शुरू करेगा। 14-15 दिन के बाद हर श्रावक जो भी उसने 15 दिन किया है उसके संबंध में बोर हो जाएगा और मन मार के ही करेगा तो सही लेकिन अंदर का गिरदता लोलुपता खत्म हो जाती है। जिएगा घर में जिएगा, सबसे बोलेगा लेकिन मजा नहीं रहा, रस खत्म हो गया। और तुम ग्रस्त हो, अविरति हो तो पूज्यवर नेमी चंद महाराज कहते तो मात्र 6 महीने के बाद यदि आपने पुनरावृत्ति का बोर्ड नहीं लगाया तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। 6 माह के अंदर आपको जो कुछ करना है, जो कुछ नया है, जो कुछ इच्छाएं, 6 महीने की उम्र से ज्यादा उम्र नहीं है, तुम्हारी कोई भी इच्छा 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे राग हो, चाहे द्वेष हो, चाहे इच्छाएं हो, चाहे किसी कार्य करने का, बस 6 महीने के अंदर या तो इच्छा पूरी कर लो या फिर इच्छा को संकल्प पूर्वक त्यागना है। 6 महीने के बाद की कोई कल्पना तुमने की, 6 महीने के बाद का तुमने सोचा और 6 महीने बाद यदि कोई इच्छा हो गई पूरी और आपने पूर्ण ब्राह्म नहीं लगाया, मिथ्या दृष्टि, नियम से मिथ्या दृष्टि,
कोई नहीं रोक सकता। मात इच्छाओं की वस्तु का त्याग नहीं करा रहा हूं, घर का त्याग नहीं करा रहा हूं, परिवार का त्याग नहीं करा रहा हूं, नौकरी धंधे का त्याग नहीं करा रहा हूं, पैसा जोड़ने का त्याग नहीं करा रहा हूं। कई लोग पूछते हैं महाराज कैसे बनेगा, 6 महीने मकान तो जिंदगी भर चलता है, परिवार तो जिंदगी भर साथ रहेंगे, 6 महीने का कैसे राग कम करें। द्वेष की बात तो सबको समझ में आती है, हमारा द्वेष की बात तो ठीक है, किसी से झगड़ा हो गया तो 6 महीने में क्षमा मांग लेना, मांग सकते, छोड़ भी देंगे, चलो जो कुछ हुआ सो हुआ छोड़ता हूं, ये सब जानते। सारी दुनिया द्वेष में लगा रही है और द्वेष में बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ महाराज जी बात सही है, 6 महीने के बाद हमें कसाय नहीं करना चाहिए, वृत्ति 15 दिन में क्षमा मांग रहा है, मुनि महाराज अंतर मुहूर्त में भी सब भूलने को तैयार है, द्वेष को नहीं, किसी से कहा सुनी हो गई भाई मेरा तो 10 में 6 में टुकड़ा हो जाएगा, ये हो रहा है, आप लोग सब कर रहे हैं, द्वेष में लगा रहे हैं, लड़ाई झगड़े में लगा रहे, वो लगाना चाहिए, उसका मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन राग किसी को समझ में नहीं आ रहा है। द्वेष तो 6 महीने में छोड़ा जा सकता है, राग कैसे छोड़े। बहुत सारे लोगों के प्रश्न, महाराज राग कैसे छोड़े, शादी कर ली तो 6 महीने में छोड़े क्या महाराज, वो तो जिंदगी भर के लिए हो गई, बच्चे पैदा हो गए तो क्या उनको 6 महीने में छोड़ दें, वो तो जिंदगी भर का बाप बेटे का संबंध है, मकान बन गया तो 6 महीने में बदल दें क्या, नहीं कुछ नहीं करना, यही तो समझना है। वस्तु बंद का कारण नहीं है, वस्तु से गुण स्थान नहीं गिरता है, इच्छा, आप इच्छाएं जो करते हैं उन इच्छाएं की पूर्ति करने के लिए आपको कितना समय हो गया, कितनी इच्छाएं आप कर सकते हैं, 6 महीने वाली इच्छा, कोई भी इच्छा आपने नहीं की, जो सामान्य प्रोसेस है वो नहीं, मकान है तो है लेकिन मकान पे दूसरी मंजिल चढ़ाने का भाव, नया प्लाट खरीदने का भाव, मकान बनाने का भाव, अभी बना नहीं बन गया है तो बढ़ाने का भाव, आप इच्छा करें, 6 महीने के अंदर यदि वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो आप उस इच्छा का त्याग कीजिए या इच्छा को पूर्ण कीजिए, एक बार आपको करना पड़ेगा, दूसरे दिन फिर कर लीजिए, एक बार आपको एक क्षण के लिए सही 1 मिनट के लिए कहिए मैंने ये इच्छा की थी, 6 महीने हो गए कोई मतलब नहीं है, मैं इस इच्छा का त्याग करता हूं, मैं इस इच्छा को छोड़ता हूं, ऐसा भाव आपको 6 महीने की अंतिम 180वें दिन आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, और ये आते ही बस उसमें कट लग जाएगा, फिर आप पुनः चालू कर दीजिए, दूसरा 6 महीने चालू हो गया, पुनः चालू हो गया, आपको करना पड़ेगा, ऐसे 6-6 महीने आप बीच में विराम दीजिए फिर आगे बढ़ाइए, विराम दीजिए फिर आगे बढ़ाइए, तो जिंदगी भर आप चलते जाएंगे, वस्तु वही रहेगी, उसके प्रति राग की जो वासना काल है वो टूट जाएगा। बेटे से आपने कोई इच्छा रखी, 6 महीने तक की इच्छा करो बस, इससे ज्यादा नहीं, उसके बाद आगे कर लेना, अभी तो 6 महीने का संकल्प करो, जितनी भी तुम्हारी इच्छाएं हो उनकी उम्र 6 महीने रखो बस, या इच्छा को पूर्ति करने का प्रयास मैं 6 महीने करूंगा, 6 महीने के बाद विराम, फिर पुनः नहीं मन कर रहा है एक बार और पुरुषार्थ करो, शुरू कर देना, एक विराम तो दो, और यदि अच्छे इंसान हो तुम, बहुत शांति चाहिए है तो
शुभ की इच्छाएं, मैंने कहा था ना कि घर से निकलो तो उतनी इच्छा लेके कर जाना कि शाम को तुम पूर्ण भरे हुए वापस आओ, खाली घर मत आया करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, पर भरे हुए लौटना है बस। भरा हुआ कलश, भरी हुई जिंदगी, भरी हुई शाम, सदा मंगल ही मंगल होता है। भरा हुआ कलश होता ना, भरा हुआ, ये नहीं कहा कि इतना बड़ा कलश है वही मांगलिक होता है। कलश बड़ा छोटा मांगलिक होता है कि भरा हुआ मांगलिक होता है? छोटा है तो, बड़ा है तो कैसा होना चाहिए? बस ये बहुत बड़ा छोटा सा मोटिवेशन है। अपनी जिंदगी में बस भरा हुआ होना चाहिए। बड़ा कलश ही होता है मांगलिक, नहीं, भरा हुआ है छोटा भी चलेगा। बस अपने मन को यदि आनंद मनाना है, आगे शुभ करना है, तो मन को बस भरा हुआ रखो और मन से कहो सदा भरा हुआ रखना, मंगल ही मंगल है। और भरा हुआ का मैं तो बस मन की इच्छाएं देख लो, बस उतनी इच्छा लेके जाओ घर से, शाम को भरे हुए लौटना। और ऐसी अनुभूति होना चाहिए जितनी मैं इच्छा लेके गया था शाम तक पूर्ण हो गए। और मैंने एक बार कहा था, शायद वहां प्रवचन था, कि तुम जब घर लौटते हो तो हर व्यक्ति तुम्हारा चेहरा देखता है। आप देखना, गौर से देखना, वो इसलिए नहीं देखता है कि तुम कोई बदल गए हो, इसलिए नहीं देखता है कि तुमको अच्छे लग रहे हो, इसलिए नहीं देखता कि तुम बदसूरत हो गए हो। एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है ये। वास्तु में ये बात को उल्लेखित किया, कोई भी व्यक्ति जब सामने आता है हर व्यक्ति चेहरा देखता है। उसका मूल कारण है कि चेहरे से पता चलता है तुम भरे हुए लौट रहे हो या खाली लौट रहे हो। और तुम यदि खाली चेहरे लौट रहे हो तो समझ लेना तुम घर का अपशगुन करके लौट रहे हो। आपका घर में प्रवेश करना अपशगुन हो गया सबके लिए और तुम्हारे लिए। अब तुम्हारे घर में भी, और धीरे धीरे सदा ये करोगे तो वो घर ही अपशगुन हो जाएगा, क्योंकि तुम बार बार अधूरे लौटते हो, बार बार उदासीन लौटते हो, और परिवार तुम्हारी जीत को देखता है। जैसे खाली बर्तन को देख करके संकेत मिलता है कि कार्य नहीं होगा, इसी प्रकार खाली मन, खाली चित्त, खाली आंखें, खाली कान, खाली जिंदगी तुम लौटोगे तो घर का भी अशुभ हो, तुम्हारा भी अशुभ हो, क्योंकि खाली बर्तन, खाली जिंदगी अच्छी नहीं होती। इसलिए आदत डालो शाम को भरे हुए लौटना। महाराज काम ही नहीं हुआ तो कैसे लौटे? उतनी करके जाओ ना, एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई बात नहीं, होता तो और मजा आता है। यदि मान लो तुमने सोचा कि आज हम 1,000 रुपया कमाएंगे और 2,000 हो गए तो कोई बात नहीं, डबल आनंद आएगा। लेकिन पहले से 5,000 की इच्छा लेके गए और 2,000 कमाए तो ये तरीका नहीं है। ये नहीं कह रहा हूं कि 1,000 की इच्छा लेके जाओ महाराज ऊपर आएगा तो वो तो और अच्छा है, और अच्छा है। तुम्हारा मन और पुरलो तो सोचा 1,000 था और आ गए 2,000, तुम्हारे लिए कमी कुछ नहीं करना है। मात में तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए शगुन बन जाए, ये सूत्र दे रहा हूं। शगुन बनना सीखो। इच्छाएं तो ना तो पूरी होती हैं ना होंगी। मैंने पहले कहा था संसार अधूरा है, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं कि मुझे कुछ अभी और चाहिए। हर व्यक्ति के मन में एक ही भाव आता है, कुछ और चाहिए, पता नहीं क्यों उसको ऐसा लगता है कि अभी कुछ और है जो मेरे पास नहीं है। वो सब कुछ सबको लगता है,
ज्ञानी को अच्छे कार्यों में लगता है, तुम्हें बुरे कार्यों में लगता है। तो तुम्हारे लिए कह रहा हूं कि तुम्हारी इच्छाएं तो रहेंगी उनकी पूरी, बस तुम शगुन बन जाओ अपनी जिंदगी में। और शगुन बनने का एक ही तरीका है, कम से कम इच्छा करो, कम से कम इच्छा करो, कम इच्छा करके अधिक कमाओ, कम इच्छा करके अधिक खा लेना, कम इच्छा करके जाओ कि हम आज 2 कदम चलेंगे, 10 कदम चल के आ जाना। देखो मैंने सोचा था आज 2 कदम ही चल पाऊंगा, मैं 10 कदम चल गया, तुम्हारा कलश ओवरफ्लो हो गया, समझ लेना तुम्हारा अच्छा दिन आने वाला है। अपन बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा लेके जाते हैं और अधूरे लौटते हैं, सब मिटा देते हो आप, घर वालों को मिटा देते हो, घर का शगुन घर बर्बाद कर देते हो, घर में जो तुमने मांगलिक किया था प्रवेश में वो सारी घर की शक्तियां खत्म हो जाती है और वो भूमि भी जमीन भी मकान भी एनर्जी लेस हो जाता है। जिस घर में सदा लोग रोते रहते हैं, जिस घर में सदा लोग खाली रहते हैं, जिस घर में हर व्यक्ति कहता है क्या है कुछ नहीं है, कोसते रहते हैं सबको, अपनी जिंदगी को परिवार को जहां देखो उनको कोसते रहते हैं, वो भूमि वो मकान किसी काम का नहीं रहा, किसी काम का नहीं रहा वो मकान, और मकान की एनर्जी खत्म हो गई क्योंकि इस मकान में 24 घंटे खाली लोग रहते हैं, 24 घंटे खाली लोग रहते हैं, हर व्यक्ति खाली है, हर व्यक्ति खाली बैठा है, थाली है खाली है, क्या ये भोजन है बेटा है? ये कोई बेटा है क्या? ये क्या मकान है क्या? ये कोई दुकान है क्या? जब देखो जब खाली हो, वास्तु महान हुआ। मोटिवेशन भी आज सारी दुनिया एक ही बात मोटिवेशन दे रही है और ये कोई नया मोटिवेशन नहीं है, हमारे शास्त्रों में लिखा था, बहुत पुराना मंत्र है, शास्त्रीय भाषा में बोले जिसे संतोष कहते हैं। बोलो ये संतोष नया शब्द है कि पुराना? पुराना है, लेकिन हम थोड़ा मोटिवेट करके दे रहे हैं क्योंकि तुम्हें वो डबल रोटी अच्छी लगती ना, वो सिंगल रोटी अच्छी नहीं लगती, थोड़ा हम आधुनिक भाषा करें। हमारे यहां था संतोष, बहुत बड़ा सिद्धि मंत्र है संतोष, नमोकार मंत्र से भी ज्यादा मांगलिक है संतोष, देव साध गुरु से भी ज्यादा सगुण है संतोष, बहुत यही तो निंदा की है उनमें, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा बस धनवान कहू न सुख संसार में सब जग देखो छान, यही तो सब जगह अब सुबह यही तो कहा है, उसको मैं थोड़ा मोटिवेट कर रहा हूं, बहुत सरल कर रहा हूं तुम्हारे लिए, इतने सरल मंत्र नहीं दिए तुम सिद्ध कर पा रहे हो कि मैं अपनी जिंदगी को कभी अमंगलिक नहीं होने दूंगा, बस सब घर के लोग, वो गरीब लोगों से कह रहा हूं, दुखी लोगों से कह रहा हूं, परेशान लोगों से कह रहा हूं, झोपड़ी में रहने वालों से कह रहा हूं, तो बस इतना सा तुम कर लो, बाकी 6 महीने के बाद तुम बता देना तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे, बस कोई घर में खाली नहीं रहेगा, भरा हुआ महसूस करो, तृप्ति का महसूस करो, पूर्णता की अनुभूति करो, मैं तृप्त हूं, मेरे पास सब कुछ है, सूखी रोटी है तृप्त है, सूखी रोटी यदि आपके पास दिवाली के दिन है, महानुभाव कोष मत देना, ये कोई भोजन है क्या दिवाली के दिन? कोष मत देना, सारे घरों में दिवाली जल रही है, दिए जल रहे हैं, तुम्हारे घर में अंधेरा है, कोष मत देना, ऐसा मत कर देना, देखो सब घर में दिए जल रहे हैं, मेरे घर में अंधेरा है, मत करना मान लो, अंधेरा बढ़ जाएगा, इतना अंधेरा बढ़ेगा कि तुम्हें दिन में दिखना ही बंद हो जाएगा,
रात में तो रहे दिखेगा ही नहीं, दिन में भी निगाह बंद हो जाएगा। तुम अपने अंधेरा भी तुम्हारी जिंदगी में दिवाली के दिन बिल्कुल अंधेरा है, तो मैं तुम्हें एक सगुन करना है। कोई बात नहीं, अंधेरा तो है लेकिन मैं जिंदा हूं, अंधेरा तो है लेकिन मुझे कोई ठोकर नहीं लग रही है, अंधेरा तो है मैं लुट नहीं रहा हूं, अंधेरा तो है मैं कम से कम जिंदा हूं। बस इतना सा सगुन तुम कर लेना, अगली दिवाली पर घी के भरे दिए तुम्हारे दरवाजे जलेंगे, तुम जलाओगे। मैंने बहुत एक बार बहुत 8-10 दिन प्रवचन दिए थे कहीं, दुनिया में सबसे बड़ी बद्दुआ स्वयं की बद्दुआ होती है। सारी दुनिया की बद्दुआओं का हल है, कितना भी कोई बद्दुआ दे दे दुश्मन की बद्दुआ से तो घबराना ही मत। मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, यदि तुम मेरे भक्त हो तो तुम्हारा कितने दुश्मन तुम्हें बद्दुआ देवे घबराना नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा बाल भांका नहीं कर पाएगा। दुश्मन की बद्दुआ से मत डरना, दो बद्दुआएं कभी मत लेना जिसका मेरे पास कोई इलाज नहीं, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। दुश्मन की बद्दुआ से तो मैंने कहा कुछ नहीं करना, यदि तुम्हें दुश्मन बद्दुआ दे रहा हो तुम्हें लगे कि दुश्मन मुझे बद्दुआ दे रहा है, तुम आंख बंद करके ये मुद्रा देख लेना, और ये नहीं आए तो बस नमोकार मंत्र एक बार पढ़ लेना, बहुत बद्दुआ छार छार हो जाएगी। उसकी मजार नहीं है जो सीमा के अंदर प्रवेश कर जाए तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ पाए। बस दो बद्दुआओं से मैं इसलिए बता रहा हूं, एक तो स्वयं की बद्दुआ कभी नहीं मिलना चाहिए, स्वयं की बद्दुआ तुम्हें अपनी किसी भी वस्तु को नहीं देना है, मकान को भी नहीं, गाड़ी को भी नहीं, घोड़ा को भी नहीं, जिंदगी को भी नहीं, किसी को भी यदि तुमने बद्दुआ दे दी आई एम सॉरी प्लीज, तुम बर्बाद हो गए, तुम बर्बाद हो गए, खुद ही बर्बाद हो गए। तुम ऐसा काम करोगे कि तुम खुद का खुद को बर्बाद कर डालोगे, दूसरा नहीं करेगा तुम्हें बर्बाद, तुम खुद ही बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि तुमने अपने आप को कोसा है, अपने आप को तुमने बुरा माना है। 2-3 दिन पहले दिवाली के पहले मैंने कहा था, दुनिया की दृष्टि दी थी, दुनिया की किसी भी दृष्टि को तुम बुरी दृष्टि से देखोगे वही तुम्हारा नाश करेगा, वही तुम्हारा नाश करेगा। आज मैं कह रहा हूं तुम्हारी खुद की जिंदगी खुद का नाश करेगी, ऐसे काम तुम करोगे कि दिन प्रतिदिन मिटते जाओगे, दिन प्रतिदिन मिटते जाओगे, क्योंकि तुम्हें स्वयं का अभिशाप स्वयं को लगा है, स्वयं की बद्दुआ तुम्हें खुद लगी हुई है, कोई इलाज नहीं। इसलिए महानुभाव आज हम तुम्हारे लिए एक दिवाली के बाद का मंत्र दे रहा हूं, अपनी स्वयं की जिंदगी को स्वयं की बद्दुआ देना बंद करो, जिस हालत में हो उस हालत में बद्दुआ मत दो, अस्पताल में पड़े हो तो भी बद्दुआ मत दो। कितने लोग हैं अभी ऐसे दुनिया में जो बीमार है लेकिन उनको अस्पताल नसीब नहीं है, तुम भाग्यवान हो कम से कम भाग विदय में तो हो। कितने लोग बेनबद नसीब हैं जो अस्पताल तक भी नहीं आ सकते, कितने बदनसीब हैं जो बीमारी को कोई को बता नहीं सकते, कितने बदनसीब। त्रियंचों में देखो, पशुओं में देखो, कैसी बीमारी, बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, कितने बदनसीब दुनिया में हैं जो बीमार हैं लेकिन वो अस्पताल तक नहीं आ सकते। तुम तो कम से कम अस्पताल तक आ रहे, डॉक्टर देख रहा है,
दवाई चल रही है, कोसना नहीं है। बद्दुआ मत देना, बद्दुआ मत देना, नहीं तो वो बीमारी और बढ़ जाएगी, लाइलाज हो जाएगी। दिवाली के दिन सूखी रोटी मिली है, बद्दुआ मत देना, ये कोई भोजन है, अगली दिवाली को वो भी गायब हो जाएगी। छोटी सी साइकिल तुम्हारे पास है, बद्दुआ मत देना, अगली साल तुम मजदूर करके साइकिल भी नसीब नहीं होगी। दूसरी बद्दुआ, अपनों की बद्दुआ मत लेना, अपनों की, जो तुम्हारा है, जो तुम्हें चाहता है, जो तुम्हें चाहता है, तुम उससे चाहते हो, इनकी बद्दुआ मत लेना। कभी भूल करके बर्बाद हो जाओगे, मिट जाओगे, कोई दुनिया में तुम्हें पूछने वाला नहीं मिलेगा, रो रो के मर जाना, ना नमोकार मन सुनेगा, ना भगवान सुनेगा, ना शांति धारा सुनेगी, कुछ इलाज है ही नहीं, लाइलाज बीमारी। किसी ने अपने ने तुम्हें बद्दुआ दी है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता है, जो तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करता है, उसके मन में भाव आ गया, मैंने क्या सोचा था इसे, ये क्या निकला, क्या सोचा था मैंने, क्या निकला ये, कहीं तुम्हारा बाप तुम्हें बद्दुआ तो नहीं दे रहा है। कभी परिवार के लोग बद्दुआ देते नहीं, उनकी बद्दुआ निकलती है। कहीं उनके मन में ये भाव तो नहीं आ रहा, कहां का बेटा पैदा हुआ, इससे अच्छा तो नहीं होता तो ठीक था, मत करना मान लो, ये संबंध बहुत खतरनाक है। ये जो तुम्हारे जितने संबंध हैं, ये इतने खतरनाक हैं, ये संबंध दीपक के समान हैं, यदि सावधानी से बनाए तो ठीक, नहीं तो ये जला करके भस्म कर देंगे। दुश्मन से मैं तुम्हें बचा लूंगा, बामी के सांप से तुम बच जाओगे, लेकिन अस्तीन के सांप से बचना, इनकी बद्दुआ मत लेना। जो तुम्हें चाहता हो उसका विश्वासघात मत करना, उसके चाहत के विपरीत तुम्हारे नहीं हो, कोई भी हो, भाई भाई का नहीं लेना, पति पत्नी हो, या तो संबंध बनाओ मत, बनाए हैं तो महानुभाव, दोनों से मेरा कहना है, दोनों की जिंदगी में कोई एक दूसरे के, तो ये तो नहीं कह रहा है कि गलत नंबर डायल हो गया, मैंने कौन से पाप किए जो ऐसा मिला ऐसी मिली, मेरे तो कर्म ही फूट गए। यदि ऐसा तुम्हारा साथी के मन में जिंदगी में एक बार भी भाव आ गया, जाओ तुम सैकड़ों सैकड़ों भवों तक, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, नपुंसक बनोगे, हिजड़ा बनोगे। ऐसी योनियों में जाओगे जहां संबंध ही नहीं बनते हैं, क्योंकि तुमने अपने न बद्दुआ दी है तुम्हें। महाभारत में एक बहुत अच्छा प्रसंग आया है, शायद आप लोगों को दिखाया गया हो, जब गंधारी चीर रहा होता है, तब गंधारी एक बद्दुआ देती है, मैं क्या सोच करके तुम्हारे पास आई थी कि मेरा पति गांडीव धनुषधारी है, मेरा ज्येष्ठ धर्मराज है, मेरा ज्येष्ठ भीम है, मेरे देवर ये हैं, कोई भी मेरे ऊपर आंख भी नहीं उठा सकता, और मैं क्या देख रही हूं, मैं अभिशाप देती हूं। गंधारी ने आके रोका, क्योंकि वो जानते थे ये उसकी बद्दुआ है जो सबसे ज्यादा चाहती है, ये उसकी बद्दुआ है जिसको सब चाहते हैं। द्रौपदी चाहती थी सबको कि नहीं, और द्रौपदी को, अब इनमें यदि बद्दुआ हो गई है, चाहत लोगों में, गुरु वंश भस्म हो जाएगा। गंधारी ने रोका, ये कोई अभिशाप नहीं है मंदु, इसको जब हमने डेवलप किया कि मैंने क्या मतलब है,
नारी के ऐसे कहने से क्या होगा? नहीं, ये अपना है। दुश्मन की बद्दुआ का कोई प्रभाव नहीं, दुश्मन तो सदा बद्दुआ देता रहा, उसका अभिशाप नहीं लगता। लेकिन गंधारी द्रौपदी दे रही है, तुरंत रुका गया। आपको आज नया साल शुरू हो गया है, नए साल में मेरे हर भक्त को एक पैगाम दे रहा हूं, पुरस्कार दे रहा हूं। आज से तुम अपने घर में यही सावधानी रखोगे, कोई तुम्हारा व्यक्ति तुमसे दुखी तो नहीं है। रिपीट करो, कोई तुम्हारा अपना व्यक्ति हमसे दुखी तो नहीं है। बस एक साधना करना, मेरे कारण से मेरे परिवार का कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है, कहीं वो मुझे कोस तो नहीं रहा है, कहीं मेरे प्रति उसका मन तो क्या निकला, क्या सोचा था। मत करना मान, प्रयास करो, पूरी ताकत लगा दो, इस साल यही लगा दो। और यदि तुमने ये कर लिया तो अगली दिवाली के बाद मुझे बता देना इस साल कैसा निकला है। पर तुम्हें निगरानी रखना है कि मेरा अपना कोई व्यक्ति जिसको तुम चाहते हो, वो तुम्हें चाहता है, कहीं वो स्वप्न में भी तुम्हारे से दुखी ना हो जाए। उसकी बद्दुआ देगी नहीं, देगा नहीं, माँ भी होगी पर लगती है। और दूसरा जो तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास इलाज नहीं, इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है आओगे तो तुम यहीं, तुम्हारा दूसरा रास्ता, बनियों का दूसरा रास्ता तो है ही नहीं, भगवान के पास जाओगे वो सुनते नहीं है। बहुत अच्छा रहा, वे सुनते नहीं, हम लोग सुनते हैं। तो सेकंड नंबर पे तुम यहाँ आओगे किसी साधु के पास, इसलिए मैं पहले से आगाज कर देता हूँ, बाद में तुम आओगे तो मुझे बहुत मुश्किल होता है। तुम अपनी जिंदगी को बद्दुआ मत देना, कोशिश, अधूरे महसूस मत रहना, खाली मत रहना। बस छोटा सी जिंदगी करना, छोटा सा सोचना, लेकिन भरे हुए सदा रहना। अगली साल मेरे लिए, मैं आशीर्वाद देना नहीं बुला रहा हूं, तुम आभार मानने आओगे। मैं किसी को भी आशीर्वाद देता हूं तो ये कभी नहीं कहता हूं अब तुम कब दर्शन करने आएगा। मैं तो यही चाहता हूं कि मैं, मेरा भक्त कभी आवे तो एक बार आवे, द्वारा उसको मेरी जरूरत ही नहीं पड़े, द्वारा जरूरत ही नहीं पड़े। अच्छा वैद्य वही है जो एक ही ऐसी दवाई देता है जिससे द्वारा उसको आना ही, एलोपैथिक की बात नहीं कर रहा, एलोपैथिक की तो नीति है कि कभी मरीज को स्वस्थ मत रखना, एक दवाई देना उसका साइड इफेक्ट जरूर करना जिससे वो दूर, नहीं तो मेडिकल बंद हो जाएगा। यदि ऐसी दवाई दे देवे कि फिर कोई द्वारा बीमार नहीं होगा तो बोलो मेडिकल क्या होगा, फिर डॉक्टरों का क्या होगा, फिर क्या होगा इनका? या तो डॉक्टर साहब आकर के फिर हमारे पास आकर के संघ में शामिल हो जाएंगे, और या फिर क्या करेंगे बोलो। इसलिए एलोपैथिक की पैथी है कि साइड इफेक्ट जरूर, क्योंकि एलोपैथिक विदेशी कंपनियों की है, और विदेशी हर कंपनी और खासतौर से चाइना, एक ही नीति है कि जो चीज खाए उसके बाद उसकी डबल मांग बढ़ जाए। साइड इफेक्ट जरूर होना चाहिए, डॉक्टर बंद नहीं होना चाहिए, उसको एक के बाद एक बीमारी जरूर होना चाहिए, दूसरी बीमारी करो। ये निकृष्ट, और हमारे पहले वैद्य ऐसे होते थे, ये भावना करते थे। सही वैद्य कौन था जो ये भावना करता था, हे भगवान आज जो मरीज आया है इसको ऐसी दवाई लग जाए कि जिंदगी में कभी भर बीमारी ना हो। अच्छे वैद्य यही भावना करते हैं, अच्छे वैद्य ये नहीं करते हैं कि नहीं हमारा चलता रहे। सुषेण जैसे वैद्य जो होते हैं वो यही करते हैं, भगवान जो मरीज आज मेरे सामने दरवाजे आया है, ये मरीज अब दोबारा दवाई लेने ना आए, सदा स्वस्थ रहे।
और हमारा जैन धर्म भी यही मानता है और मेरी नीति भी यही है, मेरी नीति भी यही है। कोई भक्त मेरे दरवाजे दुखी होके आए, मैं आशीर्वाद देते समय यही करता हूँ, हे आशीर्वाद, हे मेरी जिंदगी की तपस्या, हे प्रभु बस ऐसी ताकत दे दे जो आज मेरे दरवाजे दुखी होके आया है, इसको दोबारा मेरे दरवाजे आना ही नहीं पड़े, इतना सुखी कर दे। मेरी भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। लोग कहते महाराज जी कि आपके शांति धारा पढ़ाने से क्यों लोगों को लाभ हो जाता है, क्यों आपका आशीर्वाद लेने के लिए। बंधु मेरे में कुछ नहीं है, बस एक ही बात का भाव आता है कि जिसने मेरा नमोकार मन पढ़ा, जिसने शांति धारा की, जिसने मेरे पर विश्वास किया, बस इसका ऐसा विश्वास हो जाए इसको द्वारा मेरी जरूरत ही ना पड़े, द्वारा ये फिर दुखी होकर के ना आ जाए। इसलिए मैं कभी बात नहीं करूंगा कि बार बार तुम आते रहो, पर तुम्हें द्वारा बुलाने का मन जरूर है मेरा। जो एक बार मेरे पास आए, एक बार शांति धारा कराए, एक बार भक्तांबर पढ़े, तो बार बार पढ़ने के नहीं कह रहा हूं कि हे भगवान इसको दुखी बनाए रहना जिससे भक्तांबर चलता रहेगा, इसको दुखी बनाए रखना जिससे शांति धारा, इसको दुखी बनाए रखना जिससे ये मुझे पूछता रहे, नहीं, ये निकृष्ट भाव नहीं। लेकिन तुम्हारा भाव मेरा मन जरूर है कि जिसको भगवान के पास एक बार आया वो द्वारा जरूर आवे, मेरा आशीर्वाद जिसने लिया है वो द्वारा जरूर आवे, जरूर आवे, तीन बार बोल रहा हूं, जरूर आवे। जिसने शांति धारा कराई वो द्वारा जरूर करावे, जरूर करावे, जरूर करावे। जिसने भक्तांबर पढ़ा और ठीक हो गया तो वो द्वारा जरूर पढ़े, जरूर पढ़े, बीमारी कारण नहीं, आभार में। बड़ी खुशी होती, बड़ा आनंद आता है जब कोई व्यक्ति कहता है महाराज जी आभार में आया, मैंने कहा हो गया कल्याण, यानी उसको शांति धारा क्या हो गई। वो जो दुआ होती है जब तुम्हारे लिए दुखी मन से शांति धारा कराता हूं, उतना विशुद्ध नहीं होता हूं मैं, क्योंकि आपके दुख से मैं भी दुखी हो जाता हूं। लेकिन जब तुम आभार से शांति धारा कराते हो, उस समय जो आनंद उछलता है, उस समय जो मेरी श्रद्धा बनती है, उस समय जो भगवान को मैं तुम्हारी तरफ से दुआ देता हूं, भगवान हो गया काम, आभार में कर रहा है। दुख दूर करने के लिए आशीर्वाद देना, और जब तुम आभार में नमोस्तु करोगे उस समय आशीर्वाद देना, तुम बोलो आनंद किसमें आएगा, आभार में आनंद आता है। तो तुम आना तो जरूर, लेकिन आभार में आना, और आओगे तुम, बस एक बात तुम्हें सोचना है, इस साल कोई अपनी जिंदगी को कोसेगा, अपनी जिंदगी को बद्दुआ नहीं देगा। हर समय 24 घंटे तुम अपने आप को भरा हुआ महसूस करना, शाम को सोते समय भरा हुआ, मन भी भरा है, अब कोई जगह नहीं है, सो जाओ, आंखें भी भरी हैं, जो देखना था सब देख लिया, सो जाओ, कान भी भरे हैं, सब कुछ सुन लिया, सो जाओ, बोलना भी अब कुछ बाकी है ऐसा नहीं, थका हुआ महसूस नहीं कह रहा हूं, थक में और विश्राम में अंतर है, जितना बोलना था बोल लिया, सो जाओ, जितना चलना था चल लिया, बैठ जाओ, सो जाओ, विराम करो, विश्राम करो। थक करके विश्राम करना तो अपन ने अनंत बार किया है, पूर्ण होकर के विश्राम करने का नाम ही परमानंद है। पूर्णता का विश्राम नहीं हो पा रहा, विश्राम तो अपन करते हैं थक कर करते हैं, आंख तो बंद करते हैं थक कर करते हैं, पाप तो छोड़ते हैं थक कर छोड़ते हैं,
मन भी सोचना बंद करता है, थककर करते हैं, थककर के कर रहे हैं, हम थक जाते हैं, आगे हमारी कोई हिम्मत नहीं रहती। इसलिए सोचते भैया अब तुम बहुत थक गए हो, क्या कहते हैं आप लोग, बहुत थक गए, थोड़ा विश्राम कर लो, आनंद नहीं आएगा, थकान में आनंद नहीं आता। और जब मंजिल पूरी, पूरा रास्ता तय हो जाए, बस अब चलना बंद हो, पूरा हो गया, मंजिल पाली, उस समय का जो विश्राम है वो है आनंद का विश्राम। साधु के पास कुछ नहीं है बंधु, मात आनंद का विश्राम। विश्राम तो साधु भी करता है, लेकिन एक बार मैंने कहा ना, कृत कृत्य हो करके, कृत कृत्य हो करके, बस ये साधना अपन को जिंदगी में करना है। ये मंत्र यदि अपनी जिंदगी में आ गया, मैं कृत कृत्य हूं, मैं कृतकृत हूं, जो करना था मैंने कर लिया, मैं पूर्ण हूं। अब क्या कर रहे हो? बोले अब विश्राम कर रहा हूं, क्योंकि अब कुछ करना बाकी रही नहीं। दुकान बंद करो, कृतकृत होकर बंद करना, कृतकृत होकर बंद करना। भोजन पूरा करो, कृतकृत होकर के भोजन बंद करना। कृतकृत शब्द एक ऐसा है जिसका नाम संतोष कहो, या मैं सगुन कह रहा हूं आज की भाषा में, करके देखो। एक ही दिन कर लेना, एक ही दिन कर लेना। जैसे हमने कल परसों कहा था ना, साधु एक शराबी व्यक्ति शराब के नशे में राजा का आनंद ले लेता है, उसको आनंद आता है। वो कहते हैं बस, यदि वो शराब में राजा बन गया तो उसको अनुभूति क्या होती है, शराब में, स्वप्न में। और इस सब का घर मैंने अध्यात्म कहा, समय सार कहा। समय सार वो नशा है जिसको एक बार चढ़ जाता है, परमानंद आनंद ही आनंद है, कुछ नहीं है उसके बाद, फिर भी सिद्धों का आनंद, फिर भी आत्मा का आनंद, कुछ नहीं है फिर भी आनंद, कुछ भी नहीं है फिर भी आनंद। ये कला जो अपनी जिंदगी की है, इस कला को यदि हमें सीखना ही सबसे बड़ी साधना है। भगवान के दर्शन करने का यही तो मतलब होना चाहिए। कृत कृत अंग अंग निरखो जिन वर के, जिनसे झलके शांति पार। कृत कृत पना झलकता है, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल सब कुछ समाप्त हो गया है, कुछ करना बाकी नहीं है। और यही तो मेरा स्वरूप है। एक मूर्ति को पद्मासन में नासा दृष्टि बैठाने का मतलब क्या था? खुली आंख से बैठालते तो कुछ हमें मिल जाता, आशीर्वाद देते बैठालते तो हमें कुछ मिल जाता, लेकिन नहीं, नासा दृष्टि पलौथी बन के बैठाला, जो ये संदेश दे रहे हैं कि कृतकृत होने में आनंद है, देखने में नहीं पूर्णता में आनंद है। और मूर्ति का जो कुछ भी देखोगे, कुछ नहीं करते हुए देखो, आंख देखती हुई नहीं दिखेगी, कान सुनते हुए नहीं दिखेंगे, मुख बोलता हुआ नहीं दिखेंगे, हाथ उठते नहीं दिखेंगे, पैर चलते हुए नहीं दिखेंगे, हर चीज स्थिर है। और यह अनुभूति कर रही है कि मैं कृतकृत हो गया, जो जहां है वहीं कृतकृत का अनुभव करो। और वह आकुलता, वह निराकुलता, इसीलिए मोक्ष मार्ग, धर्म की क्रियाएं सब। कल भगवान मोक्ष में चले, क्या कर रहे होंगे वहां पर, क्या कर रहे होंगे? कुछ नहीं, कृत कोई काम नहीं हुआ, बस कृतकृत का अनुभव कर रहे हैं, बस मैं पूर्ण हो गया, बस पूर्णता का एक आनंद हो रहा है। और वे शंभु सबसे ज्यादा मांगलिक को कहा, सिद्ध भगवान को क्यों कहा? क्योंकि वो पूर्ण है। और अपने आप में उनका दर्शन का ध्यान अपने आप में पूर्णता की अनुभूति कराता है। मैंने अरहंत और अरहंत की बात कही थी ना एक दिन, आज पांचों परमिष्टियों में भी बहुत मजी चीज है।
हर पांचों परमेष्ठियों का अलग अलग नेचर है, इनकी सबकी एनर्जी अलग अलग है। जब अरिहंताणम अरुहंताणम अरहंताणम कहते हैं, इसका अर्थ है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो हमें करना शेष है, जो हमें करना शेष है, अभी है, हमें करना है। और नमो सिद्धारम कहते ही अनुभूति होती है, नहीं कुछ करना शेष नहीं है। आप सिद्ध भगवान का स्वरूप करते करते आप देखना, आपको शांति का अनुभव होगा। यदि सही नहीं, कुछ नहीं करने का मन होगा, कुछ नहीं करने का, और शरीर के प्रति भी आपकी ऐसी ममत्व बुद्धि हटना शुरू हो जाएगी कि शरीरातीत होकर के भी रहा जाता है, शरीरातीत होकर के अपनी जिंदगी बचाई जाती है। आचार्य उपाध्याय साधुओं की इनकी एनर्जी अलग अलग है, इनके ग्रह अलग अलग हैं, इनकी सब शांतियां अलग अलग हैं। कोई सभी पांचों परमेष्ठी एक सा नेचर के नहीं है। भौतिक दृष्टि से देखें तो इनका अलग प्रभाव है, ज्योतिष दृष्टि से देखना तो अलग प्रभाव है, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अलग अलग प्रभाव है। जब हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं, हम जब ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं, तो सभी परमेष्ठी एक समान नहीं है। यदि मान लीजिए किसी को मांगलिक है, किसी को मंगल की महादशा चल रही है, पांचों परमेष्ठी का ध्यान कार्यकारी नहीं होगा, नमो सिद्धार्थम कार्यकारी होंगे, क्योंकि वो हर निषेध, क्योंकि दोनों मंगल जो है बर्बाद कर देता है, बर्बाद कर देता है, सब कुछ खत्म कर देता है। तो सिद्ध भगवान कहते हैं, सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी तू मेरे आनंद को नहीं मिटा सकता है। कर्म मिट गया, शरीर मिट गया, फिर भी वो परमानंद में लीन है। सिद्ध भगवान का है, मंगल और सूर्य की महादशा को टालने वाला व्यक्ति, कुछ नहीं करना, मत भटको यहां वहां, मूंगा पहनो ये पहनो, कुछ नहीं करना, नमो सिद्धार्थ बोलो। जिसको मंगल की, रवि की, सूर्य की महादशा चल रही हो, मत भटको यहां वहां, नमो सिद्धार्थ, ओम नमः सिद्धेभ्य। इससे बड़ा कोई रत्न दुनिया में हो नहीं सकता, कैसे भी स्थिति हो, और ज्यादा है तो इनका लाल रंग में यहां ध्यान करो। लाल रंग अग्नि का प्रतीक है, भस्म कर देगा कोई इनके पास नहीं आ सकता। जैसे अग्नि के पास कोई आ नहीं सकता, और अग्नि में जो छू लिया तो जल के भस्म हो जाता है, सिद्ध भगवान के पास कोई भी कर्म छू नहीं सकता, नौ कर्म छू नहीं सकता, छुएगा ही तो भस्म हो जाएगा, उनको पकड़ ही नहीं सकता, बांध ही नहीं सकता। ये दोनों ग्रह अपने आप में बर्बाद करते हैं, दोनों ग्रहों की नीति बर्बाद है, दोनों संग मांग। और सिद्ध भगवान तुम्हें वो ताकत देंगे, सिद्ध भगवान की वो ताकत मिलेगी कि सारी दुनिया तुम्हें बर्बाद करने आएगी, लेकिन तुम्हारी सुख चैन को नहीं छीन पाएगी। तुम उतने ही आनंद में रहोगे जैसे चक्रवर्ती आनंद में रह रहा है। भिन्न है, भगवानों में कोई अंतर नहीं, चेतन है, लेकिन हम बाहरी दृष्टि से बता रहा हूं, भौतिक दृष्टि से। जो तुम यहां झाड़ा फूंकी में पड़ते हो, इसलिए कुछ नहीं बंधु हो, नमो सिद्धार्थम, नमो सिद्धार्थम। आपको शुक्र की महादशा चल रही है, चंद्र की महादशा चल रही है, कुछ नहीं करना, नमो अरिहंताणम। कोई डायमंड नहीं, डायमंड नकली मिल जाएगा, असली मिलेगा तो महंगा पड़ेगा, हम फोकट में दे रहे थे डायमंड तुम्हें, मत भटको यहां वहां, नमो अरिहंताणम का ध्यान रखो, नमो अरिहंताणम का। इनका स्थान है ललाट, सिद्ध का शिर,
और शुक्ल करण में याद करो, कैसे भी शुक्ल की महादशा और चंद्र की महादशा हो, आप इसका जाप करिए, सम्यक दर्शन भी बच जाएगा और जो कर्मों का दुष्प्रभाव है वो भी टल जाएगा। प्रभाव तो आएगा लेकिन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा, प्रभाव को नहीं रोक सकते, वो तो एक कर्म का व्यवस्था है। शुक्र और चंद्र ने यदि कह दिया है कि तुम्हारे ऐसे कर्मों का उदय आने वाला है तो वो तो आएगा, ये तो थर्मामीटर है, थर्मामीटर ने बुखार बता दिया है तो बुखार तो आएगा लेकिन बुखार तुम्हें कामों में नहीं भेज पाएगा, बुखार तुम्हारे प्राण नहीं ले पाएगा, वो आएगा तो सही। इसी प्रकार तुम नवो रिहंताण, तीसरे नंबर पे कौन, नमो आयुर्याण, इनका है गुरु की महादशा। गुरु की महादशा चल रही है, सब पंडित बताते हैं दुनिया भर के झाड़ाबू की, मत पढ़ो इन सकर में, बढ़िया नमो आयुर्याण बोलो, नमो आयुर्याण। कैसे भी गुरु की महादशा हो, कैसा भी चल रहा हो, गुरु बलवान करना है तो नमो आयुर्याण, येलो कलर में, येलो कलर, पीला कलर उनका गर्दन का स्थान है ये वाला, कुछ नहीं करना, नमो आयुर्याण, पूरा नमोकार मन पढ़ने की जरूरत नहीं, नमो आयुर्याण, नमो आयुर्याण। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।